गोमो में वामसेफ जन जागृति प्रोग्राम का आयोजन किया गया। धनबाद जिला के गोमो के चमड़ा गोदाम में वामसेफ जन जागृति प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला अध्यक्ष अजय बाउरी ने कहा कि वामसेफ के द्वारा पूरे देश में एसटीएससी आरबीसी के बीच एकजुटता बनाने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी के आलोक में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। वामसेफ के कार्यकर्ता सुधीर कुमार ने कहा कि आज की बैठक में बहुत सारे एसटीएससी आरबीसी तथा माइनॉरिटी के लोग शामिल हुए हैं। लोगों को संविधान में दिए गए अपने हक अधिकार के बारे में बताया गया है। सभी ने इस प्रोग्राम को सराहा है। बहुत जल्द सभी गांव एवं टोलों में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर दर्जनों लोग शामिल थे। बोल पचासे जय मूलनिवासी, बोल पचासे जय मूलनिवासी, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। नई रोशनी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। बोल पचासे जय मूलनिवासी, बोल पचासे जय मूलनिवासी। रखे हैं गोमो में बहुत दिन से, सोचते सोचते आज वो दिन आ गया जिसमें उपस्थित वामसेफ के बैनर तले सभी साथियों को जय जवाहर, जय मूलनिवासी, जय संविधान। हम लोग का उद्देश्य है कि समाज के लोगों को जगाना। जगाने के लिए पहले अपने को पहचानना है, फिर अपनों को पहचानना है, और उसके बाद से दुश्मन को पहचानना है कि मेरा दुश्मन है कौन। आज देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक मनुवाद और एक अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद के लोग मूलनिवासी जितने भी एससी एसटी माइनॉरिटी सिख और भी जो लिंगायत जो धर्म हैं, वो सारे लोग एक बैनर के तले काम कर रहे हैं और एक अंबेडकरवाद है जो आज 85 के ऊपर राज कर रहा है। और 85 में ये लोग जो अभिजाति वर्ग है वो फूट डालो राज करो का अपना नीति अपनाए हुए हैं और इसीलिए वो कामयाब है। तो हमारा उद्देश्य है कि अपने लोगों को, हम लोग इंसान हैं और यही के मूल निवासी हैं। हमारे पूर्व वक्ता ने आपको समझाने का प्रयास किया अपने मुसलमान भाइयों को कि हम किस हालात में इस्लाम धर्म को कबूले थे, इन्होंने समझाया। और ये बात 2001 में डीएनए टेस्ट के आधार पर साइंटिस्ट माइकल बामशाद ने साबित भी कर दिया। 2001 अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया अमेरिका के वाशिंगटन पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष माइकल बामशाद ने डीएनए टेस्ट करके ये साबित कर दिया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे माइनॉरिटीज के हो, यहाँ तक कि यहाँ के तमाम महिलाएं हो, चाहे वो महिलाएं हमारे घर की हो या ब्राह्मण घर की महिलाएं हो, वो यही के मूल निवासी, यही के मूल निवासी, ये साबित हो गया। साथियों, ब्राह्मण ने हम लोगों को 6,643 लिखा हुआ, इतने जातियों में हम लोग को बांटा। हम लोग बटे हुए लोग नहीं है, यहाँ पे भारत में जितने भी लोग, हाँ, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज गोमो में चमड़ा गोदाम इलाका में आज जन जागृति का कार्यक्रम लगाया गया था बहुजन समाज की तरफ से। जैसे वामसेफ जितने भी मूल निवासी यहाँ के हैं, उन मूल निवासी को अपने हक अधिकार के लिए कैसे आगे आना है कि, और इस देश के जो लोग हैं जो इस देश में चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो संविधान के आधार पर जो चल रहा है उस संविधान को बदला जाए,
उस सोच को, उस विचारधारा को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर एक ऐसा खौफ का माहौल, अराजकता का माहौल जो पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ आज बामसेफ का यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मीटिंग में हम लोग सारे मूल निवासी भाई, यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं, उन सब को हम सब यूनाइट करने के लिए और अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ने के लिए कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो, वो कैसे हम अपने हक और अधिकार को के लिए आगे बढ़ सकें और इस देश में जो अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और हम सबको जो कैसे हम सब आगे बढ़ सकते हैं अपने सत्ता के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, इसलिए सारे जन जागृति का कार्यक्रम किया गया और इसमें हमारे यहाँ पर सभी भाई मौजूद थे। यहाँ पर हमारे एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ के लोग मौजूद थे, उन्हीं के बीच हम ये कार्यक्रम किया गया। आप अपने बारे में बताएं। मैं राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा का जिला संयोजक धनबाद मोहम्मद इकबाल अंसारी। हाँ भाई, आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए। आज बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस चमड़ा गोदाम गोमो में मोहम्मद सरफराज अहमद की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बहुजन समाज के लोग आए और इस जन जागृति अभियान में शामिल हुए हैं। इसका प्रदेश से बेरोजगार मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी, वो भी यहाँ आए हुए हैं। महासचिव हैं शंभु पासवान जी, हमारे फुल पूर्णकालिक प्रचारक मान्यवर मुन्ना कुमार ध्रुव जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है और आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम कराने का आश्वासन यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है। और एक जो एहतियात हम लोग कायम करना चाह रहे हैं बहुजन समाज में, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के बीच में, वो बहुत हद तक ये एकता बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। बहुत जल्द इस देश में जो मनवादी शासन व्यवस्था है, इससे यहाँ के बहुजन समाज को निजात मिलेगा। आज क्योंकि का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय अधिवेशन जो हम लोगों का बामसेफ का पुणे में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर चलेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में भी यह कार्यक्रम रखा गया है ताकि हम लोग भी यहाँ गोमो से ऑनलाइन उस अधिवेशन में शामिल हो सके। इन्हीं सब समस्या थी बातों को लेकर के यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो काफ़ी सफल रहा। आप अपना परिचय दें। मैं रणधीर कुमार, बामसेफ का कार्यकर्ता। आज की बैठक की जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, सभी भाइयों को जय भी। आज का जो कार्यक्रम रखा गया, इनका उद्देश्य ये है कि यहाँ भारत के वंचित शोषित, जिन पर जुल्म होता आ रहा है, दलित मुस्लिम, इनको लेकर आज की डेट में दिनांक 9 दिसंबर 2021 को शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया। और इस प्रोग्राम में हमारे चमड़ा गोदाम के सभी लोग इस मीटिंग में शरीक हुए और लोग बामसेफ, जो कि बहुजनों का संगठन है, ये 85% मूल निवासियों का संगठन है, इनको समझने के लिए और बामसेफ की ताकत को जानने के लिए ये लोग शरीक हुए हैं। और बामसेफ हर गांव में, हर क्षेत्र में इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। आज चमड़ा गोदाम में हुआ है तो कल चायता में होगा, परसों हरियरपुर में होगा तो कभी खेड़ा बेड़ा में होगा, ये प्रचार प्रसार चलता रहेगा। क्योंकि मुझे भी हक है शासक बनने का, सिर्फ 3.5% वाले लोग शासन नहीं कर सकते, हमारा भी हक है, हम भी शासन करेंगे और शासक बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो है, उनको मैं एकत्रित करने की प्रयास कर रहा हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बामसेफ में जुड़े और इनका प्रचार प्रसार करें और इनके बारे में आप जानें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आप अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, बामसेफ का कार्यकर्ता, जगह का नाम चमड़ा गोदाम गोमो से। हाँ, आज के प्रोग्राम की जानकारी दीजिए।
प्रोग्राम आज जो है चमड़ा गोदाम गोमो में जो है बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और अफसुट विंग के द्वारा जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें जनजागृति देश भर के अलावे आज हम लोग यहाँ पर भी जो है एक जागृति चलाए बहुजन समाज का जो है मूलवासियों के द्वारा जो देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में हमारे यहाँ का जो है तमाम SC ST OBC के चमड़ा गोदाम और गोमो के द्वारा यहाँ पर जो है उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में जुड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है एक प्रबोधन रखा गया, जिसमें यहाँ के सरफराज अहमद जी और हमारे यहाँ के रणधीर जी जो है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए, संचालन किए और यहाँ पर जो है हमारे मूलवासियों को संपूर्ण आज़ादी के लेकर हमारे लोगों को जो है एक आपस में SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो है एक मूलवासी एकता कायम हो रहा है, और उस कायम के पीछे हमारे इत्तेहाद भी है। संवैधानिक अधिकारों को लेकर हम लोग जो है इस देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, और आपस में हम लोग जो है इस आंदोलन को जो है एक बड़े रूप में जो है जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमारे लोगों को जो है आज़ादी के लिए जो है प्रेरित करेंगे, और इस जन आंदोलन के माध्यम से आज तक जो भी अधिकार हमारे लोगों को जो है जो नहीं मिला है, उस अधिकारों को लेकर हमारे लोग जो उसमें भागीदारी करेंगे, और संपूर्ण जो है इस मूल्यवासी समाज को आज़ादी का जो है आज़ादी मिलेगा। ये जो है वामसेफ एक अभियान देश भर में तहरीक चलाया जा रहा है, इसी को बातों को लेकर जो है हम लोग मूल्यवासी समाज आज जो है देश भर में हर क्षेत्र में प्रदेश से लेकर आज पूरा भारत में इस आज आज़ादी में अपना सहभाग दे रहे हैं, सहयोग साथ सहयोग भी दे रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मैं वामसेफ जिला अध्यक्ष धनबाद। नाम बताएं। अजय बावरी उठकी सिरा रहे हैं।